चलिए अपने वीडियोस ऑन करिए। अभिनव, राघव, अक्षत, गिरीश, वेदिका, सर ओके। तो होमवर्क आप लोगों ने सबने नहीं भेजा। मैं दिवांशी, आपका होमवर्क नहीं आया, और किस किस का नहीं आया? अभिनव, आपका भी होमवर्क नहीं आया, क्यों नहीं भेजा भाई? अनम्यूट करो। गुड आफ्टरनून सर। एक सेकंड। हाँ जी, होमवर्क क्यों नहीं आया अभिनव? सर मैं करके भेज दूंगा, होमवर्क करा नहीं था मैंने पहले। हाँ जी सर, आज भेज दूंगा सर होमवर्क, मैंने वो करा नहीं था। हाँ चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, होमवर्क में मैंने एक चीज नोट की कि आप लोगों ने जब होमवर्क किया, अक्षर आप भी वीडियो ऑन करो, जानवी आप भी, तो आप लोग ना इसी में अपनी मतलब प्रैक्टिस करिए अंडरलाइनिंग की। आप लोग यहाँ पे अंडरलाइनिंग करोगे तभी वहां जाके अंडरलाइनिंग आपकी टाइम पे होगी। अगर आप यहाँ पे अंडरलाइनिंग नहीं करोगे तो वहां पे कभी भी आपकी आदत ही नहीं बनेगी। तो साइड बाय साइड, एक मिनट जानवी, साइड बाय साइड ही आदत डालिए होमवर्क में भी अंडरलाइनिंग करने की। हाँ जी जानवी बोलिए। सर मेरा ना यहाँ पे घर पे भी नेट नहीं है, जैसे नेट आएगा मैं कैमरा ऑन कर लूंगी। मैं आपको पक्का कर लूंगी जैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन की थी और मैनेजमेंट के हमने फीचर्स किए थे, राइट? तो एक बार जल्दी से डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या हुआ गिरीश, पुलकित कहाँ रह गया? सर उसी को फोन कर रहा हूँ। करो जरा बोलो उसको जल्दी से आए। ओके, तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन की थी। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ जल्दी बोलो, getting the work done with the aim of achieving the work done for achieving the goal efficiently, ठीक है? उसके बाद हमने इसके फीचर्स किए थे और फीचर्स में हमने 7 फीचर्स किए थे। तो क्या था? P से क्या था? Pervasive. I से intangible. Group activity. Goal oriented. M से multidimensional. Continuous process. Continuous. कोई गिरीश बात पुलकित से? सर उसने तो फोन नहीं उठाया, उसकी मम्मी को कर रहा हूँ। करो जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है काफी बच्चों की, तो इस पर लिख लीजिए फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स। सर आ रहा है वो। अब आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस। तो मेरे को इम्पोर्टेंस के दूसरे नाम बताओ राघव, इम्पोर्टेंस के और क्या नाम हो सकते हैं? इम्पोर्टेंस को और क्या कह सकते हैं बताइए? सिग्निफिकेंस और क्या कह सकते हैं बताइए? ऑब्जेक्टिव्स नहीं कह सकते। ऑब्जेक्टिव मैरिज कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते वो वेदिका की हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मैनेजमेंट के क्या मतलब गोल्स है, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, मैरिज कह सकते हैं, एडवांटेजेस यूजफुलनेस कह सकते हैं, एडवांटेजेस कह सकते हैं। किसी और ने एक और बोला था, क्या बोला? सर नीड बोल रही थी मैं। नीड बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये किसी भी क्वेश्चन, किसी भी नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज ये सारे नाम लिख लीजिए एक बार नोट में। इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन जो है हमारा आज हम शुरू करेंगे, वहां पे सारे इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए। इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मेरिट, नीड, एडवांटेजेस, यूजफुलनेस। और कल जो पुराने बच्चे हैं जिनका मार्केटिंग चैप्टर हो चुका, कल टेस्ट है, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे एक बार टाइम वाइम सब कुछ। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं, लिख लीजिए अपना नाम। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है।
तो हमारी अब अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके फीचर्स क्या है। तो हमने देख लिया कि वो कॉन्टिन्यूस होता है, हमने देख लिया कि वो एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, बेटा नोट्स बंद कर दो, बिल्कुल नोट्स बंद कर दीजिए। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहले आप लोग बताइए। अच्छा देखिए, क्योंकि इसमें ना हर लाइन के आगे हम हेल्प सिन लगाएंगे, हेल्प सिन दिस थिंग, हेल्प सिन दिस थिंग। तो मैं हेल्प सिन को कॉमन लिख रहा हूँ, मैंने हेल्प सिन कॉमन लिख दिया है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे पांच पांच इसकी इंपॉर्टेंस है वो लिखेंगे। तो आप बताइए, एक एक जना बताइए मेरे को, राघव आप बताओ कि सबसे पहले आपके हिसाब से मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप सोच के बताओ, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या मैनेजर मैनेजमेंट में हो, तो आपकी क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, बताइए आपसे क्या फायदा मिलेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी भी नहीं आ रही सर, अपना सेटिंग्स देखो। अक्षत आप बताओ, अक्षत आपके हिसाब से क्या फायदा मिलेगा। सर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला, इट हेल्प्स इन इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अच्छा वेदिका आप ट्राई करो, आपके हिसाब से क्या फायदा मिलेगा कंपनी को, आप अगर अगर आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट में हो तो। डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और क्या फायदा हो सकता है, कोई भी बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के होने से क्या फायदे होंगे, कौन बताएगा। गोल्स अचीव होंगे, तो हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। हाँ जी, पर्सनल गोल्स नहीं हो सकते, पर्सनल गोल्स भी ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है। पुलकित जी कहाँ रह गए थे, आ गया सर, आ तो गया आज तो तुमने इतना अच्छा होमवर्क भेजा था, तेरा सबसे अच्छा होमवर्क था, और सारा काम तूने किया था, पूरा किया था, और दो दो बार जो चीज लिखनी थी वो भी लिखी थी। आज तो तेरा होमवर्क देख के मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो प्रेज भी करूंगा, और तू भागी क्या, फोन स्विच ऑफ था, वो पता नहीं लगा, सो रहा है। एक चीज करनी है, होमवर्क जब करो ना उसमें अंडरलाइनिंग करनी है, आपके होमवर्क में भी अंडरलाइनिंग नहीं थी, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला फायदा क्या, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। दूसरा फायदा, गिरीश ने बहुत ही अच्छा बोला कि पर्सनल गोल्स जो है हमारे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे एम्प्लॉइज के, वो भी अचीव करने में मदद मिलेगी अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी। मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए हेडिंग्स क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे हमें बताइए, हमने नेक्स्ट क्लास में भी कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत से चेंजेस को फेस करती है। जैसे अभी का बात करें तो इस वर्क फ्रॉम होम एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज था, तो मैनेजमेंट मदद करती है अपने एम्प्लॉइज को कि वो इन चेंजेस को बहुत अच्छे से क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो मैं अभी आपको बस हेडिंग्स बता रहा हूँ, हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे वीडियोस ऑन करिए, आप भी ऑन करो पुलकित। ओके बच्चों, अब ये मैंने अभी आपको हेडिंग्स लिखी है, पहले हम सिर्फ हेडिंग्स याद करेंगे। जैसे हमें सारी हेडिंग्स पिछली बार की याद थी, हम ये भी याद करेंगे, ए ए सी आई डी। तो इसका बड़ा ही अच्छा मैंने स्लैंग बनाया, मुझे लगता है ये स्लैंग, ये सीरियल जो है वो आपने मैंने देखा था, आप लोग मेरे बाद जो आए उन्होंने देखा, मेरे मम्मी पापा ने जरूर देखा होगा अभिजीत, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा सीरियल, अभिजीत एक्ट्स इन सीआईडी, सबने देखा होगा, ठीक है ना, सोनी का फेवरेट सीरियल है ये अभिजीत एक्ट्स इन सीआईडी। दया दरवाजा तोड़ दो, चलिए जल्दी से याद करिए हेडिंग सारी, पहले सीधा हेडिंग सेडिंग याद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और कल का पेपर बड़ा ही अच्छा बनाया है मैंने, ठीक है, मैं बस थोड़ा बीच में बता दो, तो अच्छे से कल देना भी, अच्छे से बड़ा मजा आएगा कल पेपर। जल्दी से स्टडीज हैं सर, अभी बताऊंगा, अभी क्लास में नहीं, एक बार इन बच्चों को जाने दे, फिर डिस्कस भी करूंगा पेपर में क्या है क्या नहीं, पेपर क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा क्या है क्या नहीं बताऊंगा। अच्छा सर, क्वेश्चन क्यों नहीं बताओगे, इंपॉर्टेंस क्या, एक एक गिरीश क्या कह रहे हैं, पेपर ढूंढना बताऊंगा कि पेपर में क्या है सर, क्वेश्चन तो बता दो कम से कम। एक क्वेश्चन क्या, फिर सात क्वेश्चन है, पांच बता देते होगा। हाँ जी बोल, क्या कह रहे थे, इम्पोर्टेंस ब्रीफ कर दो। हाँ बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ही बता रहा हूँ, पहले लिख लो स्लैंग। अभी तक हमने क्या बोला कि इम्पोर्टेंस जो होती है उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, नाम लिख के एक बार तो ये लिख लो, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मेरिट, नीड, एडवांटेजेस, यूजफुलनेस, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपको इम्पोर्टेंस ही लिखनी है। पहले तो हमने ये बात की आपके आने से पहले, फिर हमने एक बार शुरू ही किया था, अभी डिस्कस नहीं किया, अभी सारा डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट होगी और अच्छी मैनेजमेंट होगी, तो सबसे पहले तो क्या होगा, वो कंपनी अपने गोल्स अचीव कर पाएगी, है ना। सबसे पहले तो क्या फायदा है कि वो कंपनी अपने गोल्स अच्छे से अचीव कर पाएगी। फिर दूसरा फायदा क्या होगा कि जो उसके एम्प्लॉयज है वो भी अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, इस पॉइंट को मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, अभी बताया कि जनरली चेंजेस जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज उनको एक्सेप्ट नहीं करते, एम्प्लॉयज नहीं चाहते
कि उनका जैसा काम चल रहा है उसको चेंज करना पड़े, लेकिन दैट इज द नीड ऑफ द आवर। मैं आपको बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा। तो अगर एक अच्छी मैनेजमेंट हुई तो वो अपने एम्प्लॉइज को बता पाए, समझा पाएगी कि हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बने। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज कर पाती है, ये भी मैनेजमेंट ही करती है। दूसरा बहुत ही अच्छा पॉइंट अभी अक्षत ने बोला कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी उस कंपनी की। और लास्टली एक बहुत अच्छा पॉइंट वेदिका ने बोला कि अगर किसी कंपनी, जानवी ने भी बोला था, अभी किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो कंपनी डेवलप करेगी। और मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया उसके साथ कि ना सिर्फ कंपनी डेवलप करेगी, सोसाइटी भी उसके साथ साथ डेवलप करेगी। तो ये अभी सिर्फ हमने हेडिंग से किया आपके आने से पहले। आप पहले हेडिंग्स याद करो अच्छे से, सब अच्छे हेडिंग्स याद करो, मैं उसके बाद इसको डिटेल में अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर रीड करेंगे। एक बच्चे ने ऑब्जेक्टिव बोला था, ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल्स और इम्पोर्टेंस का मतलब होता है उसका नीड क्या है। तो नीड और गोल्स में तो फर्क है ना, इसलिए गोल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैंने ये लिखे थे फीचर्स के दूसरे नाम क्या होते हैं। चलिए जल्दी से याद हो गई हेडिंग सारी, करें आगे एक बार पहले याद पूछे आपसे। ओके तो एक बार जल्दी से बोलते हैं, सब बच्चे बोलेंगे, मतलब कोई एक सब एक सब एक साथ बोलेंगे और मैं शुरू करते हैं। पहले ए से क्या, पहले बताइए जल्दी से, ए से अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, ए से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर सी से क्या, एक एक पॉइंट को, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं फिर हम इसको रीड करेंगे। और बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो क्या होगा कि उसकी ग्रुप गोल्स अचीव हो पाएंगे। कैसे, कि मैनेजमेंट क्या करेगी, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैनेजमेंट का मेन काम क्या है कि यूनाइट करना है। तो जितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सबको मैनेजमेंट एक कॉमन डायरेक्शन दिखाएगी, और जब मैनेजमेंट एक कॉमन डायरेक्शन दिखाएगी सब लोगों को, जितने भी लोग एक कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो क्या होगा, उनको जब एक कॉमन डायरेक्शन मिलेगी तो हमारे ग्रुप गोल्स अचीव होएंगे। तो हम सिंपल इसमें लिखेंगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। देखो दो पॉइंट क्या है, यहाँ सुनिएगा, नोट्स नहीं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The task of the manager, पहला point था ये, दूसरा, the task of the manager is to give common direction to the efforts of different people in the organization so that the group goals of the organization are achieved. ठीक है, फिर से बोलता हूँ, the task of the manager is to give a common direction to all the people in the organization so that the group goals of the organization are achieved. समझ में आ गए दो points? याद हो गए अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट विल हेल्प द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बच्चों इस पॉइंट को समझना। देखो बच्चों, एक मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, उसमें 10 लोग काम करते हैं, एक गार्ड लगा हुआ है, उसी 10 में एक वॉचमैन है, एक ऑफिस बॉय है, ठीक है, ये एक हो गए। फिर एक हो गया मान लीजिए लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, छोटे, मैं उसको थोड़े बहुत काम देता हूँ। फिर एक उससे बड़े लेवल का एम्प्लॉय, और एक उससे, मतलब 5 लोग है, एक उससे बड़े लेवल का एम्प्लॉय। अब जितने भी ये लोग हैं वो अलग अलग जगहों से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, किसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, किसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। अब एज अ मैनेजर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी तरफ, कि मैं इन लोगों को इतनी, इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर दू, इस तरीके का एक एनवायरमेंट दू, और इतना एक सैलरी दू कि ये लोग जो भी अपना ऑब्जेक्टिव लाए है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपके मन में एक ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हमें ये अचीव करना है। आप जब आगे जाके कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपके मन में एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है इस कंपनी में। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको अगर वो ऑब्जेक्टिव पूरा करने का ही मौका नहीं दे रहा तो क्या आप मेरी कंपनी में लंबे समय तक टिकोगे? आप खुद बताइए, अगर मैं आपको, आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आपका जो ऑब्जेक्टिव है मैं उसमें हेल्प नहीं करता आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, तो क्या आप मेरी कंपनी में टिकोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैनेजमेंट का ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके से मोटिवेट करे कि वो जो लोग है वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करे और कॉन्ट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो
मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्योंकि उनको अपने अपने जो मेंबर्स है उनको मोटिवेट करना है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, कोई बंदा सिर्फ पैसे कमाने आया है, कोई पर्सन नाम कमाने आया है, आप वो अपना अचीव कर सको और उसके साथ साथ आप कॉन्ट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक मैनेजर को टाइम टू टाइम अपने लोगों को मोटिवेट करना होता है, उनको 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 लीड करना होता है जिससे कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। अगर कोई मैनेजर, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने का मौका नहीं दे रही, तो वो एम्प्लॉइज जो है वो कंपनी को छोड़ जाए। समझ में आया पॉइंट अच्छे से? तो व्हाट इज व्हाई हाउ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर मोटिवेट्स हिज एम्प्लॉइज इन सच अ मैनर दैट दे आर एबल टू अचीव देयर पर्सनल गोल्स एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? आगे चलते हैं। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अब तो एक साल ही हो गया, जैसे एक नई चीज आई वर्क फ्रॉम होम, कुछ कंपनीज में पहले से था, कुछ कंपनीज में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं था, नया कॉन्सेप्ट आया। और आपको ये भी पता होगा कि काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम नहीं आता, मतलब कुछ जो बैंक के एम्प्लॉइज है हो सकता है उनको जूम चलाना ही ना आता हो, सकता है उनको कंप्यूटर में इतनी ज्यादा वो टेक सेवी ना हो। अब दो एक एक प्रॉब्लम आई उनके सामने और उन लोगों ने क्या कहा अपने मैनेजर को कि हम नहीं करेंगे, हम तो ऑफिस आ जाएंगे, या हम ऑफिस आएंगे या हम ऑफिस नहीं आएंगे, वो आप देख लो, लेकिन हम ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। अब क्या होता अगर बैंक वाले मैनेजमेंट अगर वर्कर्स की ये बात मान लेते तो क्या होता? अल्टीमेटली जो बैंक होता उसका बिजनेस लूज होता। क्यों बिजनेस लूज होता? क्योंकि और बैंक वर्क फ्रॉम होम करते और वो अपने कस्टमर्स को क्लाइंट्स को सर्विसेज देते और ये बैंक का क्या होता कि ये बैंक अपना बिजनेस लूज कर जाता। लेकिन मैनेजमेंट अगर अच्छी होती तो अपने एम्प्लॉइज को समझाते कि बात को समझिए, ये जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है ये आप ही के लिए फायदेमंद है। आप कोविड में ऑफिस तो आ नहीं सकते, अब आप कहते हो कि हम घर से भी काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हम लॉसेस में चले जाएंगे, हम लॉसेस में चले जाएंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, हम आपको भी पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इससे बेटर है ना कि एक नई चीज सीख के आप अपने जॉब को सिक्योर कर लो ये आप ही के फायदे के लिए, यस और नो? तो ये तो अब देखो बात क्या है कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को समझाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से मैनेजमेंट, अब देखो चेंज हर जगह है और कोई भी चेंज को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता, कोई भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर आज आपके सामने बोला जाए कि आपका जो बोर्ड्स का पेपर है क्योंकि वो ऑनलाइन होएगा तो पूरा का पूरा पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होएगा, ठीक है? ये आपके सामने एक एक आती है नोटिफिकेशन आती है, आ रही है ये 90 क्वेश्चन, वो जैसे अभी वो आ रही है ना इस साल के लिए, आपको सुना ही होगा आपने। अब एक बार बताओ, हर बच्चा कह रहा है नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, है ना? सब बच्चे यही कह रहे हैं ना कि नहीं इससे कैसे जज होएगा या जो भी प्रॉब्लम है। अब एक बात बताओ, अगर ये ना हो तो दूसरा क्या होगा कि पेपर ही नहीं होगा, आपके इंटरनल के बेसिस में नंबर लगेगा, क्या वो ठीक है, क्या वो सही है? अच्छा वो पुलकित कह रहा है हाँ वो ठीक है, चलो वो ठीक है। नहीं, कहने का मतलब है उससे तो बेटर ही ऑप्शन है ना कि आप एक टेस्ट दो, 90 मार्क्स का टेस्ट दो और अच्छे से परफॉर्म करो। तो होता क्या है, एमसीक्यूज बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं होते हैं। नहीं, किसने बोला स्कोरिंग नहीं होते सर? स्कोरिंग होते हैं, एमसीक्यू से बहुत मार्क्स कटते हैं। आप सुनो वेदिका, अभी तक आप मेरे से नहीं पढ़ते थे, अब आप मेरे से पढ़ रहे हो, अब आपके एमसीक्यू बिल्कुल स्कोरिंग है। राहुल सर से पढ़ रहे हो? हाँ राहुल सर से पढ़ रहे हो। और कहीं मैथ्स में राहुल सर नहीं है ना सर? नहीं, मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा, तो मुझे बोलते हो क्या करना है, सिर्फ वो करना है क्या, वो एक लीनियर इक्वेशन डिफरेंशिएशन सब आता है मेरे को, चिंता मत कर तू, अकाउंट्स ही को जो पढ़ना है मुझे बता। पॉइंट क्या है, पॉइंट समझो कि एक बात क्या होती है कि चेंज को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। इनफैक्ट अभी तो वैक्सीनेशन को लेके देख लो ना, इतने लोग आज भी कंफ्यूजन में है कि हम लगवाए या ना लगवाए, कि नहीं सही है कि नहीं। लेकिन अगर धीरे धीरे उनको समझाया जाए कि भैया माना आपके मन में जो डाउट है वो ठीक है, लेकिन ना लगवाने से तो बहुत बेटर है ना, लगवा लो उसको, थोड़ा बहुत तो एंटीबॉडीज तैयार होगी। तो पॉइंट क्या है, चेंज को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को किस तरीके से मोटिवेट करती है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बन सके। डायनामिक मतलब जो अपने आप को चेंज करती है। समझ में आया? चलो मैं एक ऐसे फनी एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी का टाइम था एम्प्लॉइज का 9 to 5। अब क्या हुआ, अब सर्दियां हो गई, ठीक है, अब सर्दियां हो गई और सर्दियां में एक नोटिस लग गया नोटिस बोर्ड में कि अब से टाइम है 11 to 7, ठीक है, 11 to 7 लग गया, सारे एम्प्लॉइज झगड़ा करने लग गए, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हम 9 to 5 का टाइम था, हम तो उसी टाइम में आएंगे, हम ये क्या विंटर सीजन में आपने 11 to 7 कर दिया। तो झगड़े हो गए, दंगे हो रहे, स्ट्राइक्स हो रही है। अब मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो हम इनको समझाते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला, यार सुनो आराम से बात को समझो,
आपको अगर आपको 9 to 5 करना 9 to 5 कर देते हैं, लेकिन हमारी थॉट सोचो सुनो जो हमने सोच के आपके लिए 11 to 7 किया। देखो बेटा सर, देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ आप मेरे एम्प्लॉइज हो, सर्दियों का टाइम है, आप लोग आराम से घर जाओ, ठीक है, 7 बजे घर पहुंचे, आराम से 9-10 बजे तक खाना खाओ, फिर अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटर हाफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्या जल्दी करके सोना, आराम से जल्दी सोना, फिर सुबह जल्दी उठना, पुलकित को समझ आ रहा है ये एग्जांपल सिर्फ, ठीक है ना। आराम से टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा मूवीज देखो नेटफ्लिक्स में अच्छी अच्छी, आराम से सो, फिर सुबह लेट उठो, आराम से तैयार हो और आराम, तो देखो ना उससे आप कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे अपने वाइफ एंड हस्बैंड के साथ। आप समझ रहे हो मेरा जो कहने का मतलब है। तो एम्प्लॉइज, हाँ हाँ ये बढ़िया है सर, ये सही है, सर्दियों में तो सर्दियों में तो थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है सोने वोने में एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब क्या है, अब उन्होंने समझा पॉइंट को, तो पॉइंट क्या है समझाना, जो चेंज होता है ना वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इवन दो वो चेंज एम्प्लॉइज के फायदे के लिए हो। तो मैनेजमेंट में देखना है कि कैसे वो इस चेंज को एम्प्लॉइज को मनवाते हैं जिससे कि कंपनी की डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे। गिरीश कुकरेजा साहब किससे बात कर रहे हैं सर? भैया इधर 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 सर, किसी से नहीं सर। नहीं तेरा मूड तो चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या कुछ खाने वाना मंगवा रहा था क्या? नहीं सर, दीदी आई थी। चलो आगे चलते हैं, समझ में आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? मैनेजमेंट की अच्छी प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से और कंट्रोलिंग से। सब चीजें जब अच्छी अच्छी करेंगे मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड लास्टली ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ना सिर्फ वो कंपनी ग्रो करेगी, उसके साथ सोसाइटी भी बढ़ेगी। इसमें मैं 2 कंपनीज का एग्जाम्पल दूंगा, दोनों ही कंपनीज लीडर्स है, एक है मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक है टाटा की टाटा सन्स, ठीक है। अब मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूँ, मैं ये इनफैक्ट मुकेश अंबानी की कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है टाटा सन्स से, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि टाटा सन्स की मैनेजमेंट ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा सन्स का मैं आपको थोड़े से हिडन फैक्ट बताता हूँ, हर साल कई हजार करोड़, एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, हर साल कई हजार करोड़ की डोनेशन देती है हमारे इंडिया की डिफेंस को, शायद आप लोगों को ये ना पता। और उसकी 66% कितना सर? 66% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। लो ये तो इसने और फैक्ट बता दिया कि जितना टोटल डिफेंस का खर्चा होता है उसको 66% टाटा करती देती है। और क्या वो इस चीज को एडवर्टाइज करती है? कहीं पे भी नहीं, वो कहीं एडवर्टाइज नहीं करती। और मुकेश अंबानी की कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए भी डोनेट करेगी अपने हजारों करोड़ों से तो उसका इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा उसको, लेकिन मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि टाटा के, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ, टाटा की जो कंपनीज है उसकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि वो अपने से पहले अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। जब टाटा ताज पे वो अटैक हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा, जब ताज होटल्स पे अटैक हुआ था ना 2008 या 9 में हुआ था, तो टाटा वालों ने जब वो होटल बंद रहा था अपने सारे एम्प्लॉइज का खर्चा टाटा ग्रुप ने उठाया था जितने टाइम के लिए उनका वो होटल बंद था। ये कुछ एग्जांपल्स है, कहने का मतलब ये है कि वो सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। आज भी टाटा सोसाइटी के लिए इतना करता है, इस कोविड में भी टाटा कंपनी ने इतना किया है सोसाइटी के लिए कि उसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और बहुत सी कंपनीज है, विप्रो है, इंफोसिस है। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ना सिर्फ वो कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ साथ सोसाइटी भी ग्रो करेगी। मुकेश अंबानी एक बहुत अच्छा लीडर है, एक बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो जब भी उसको कंपैरिजन उसका होता है टाटा के साथ, विप्रो के साथ, इंफोसिस के साथ, तो टाटा का ही नाम मुकेश अंबानी से पहले लिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समझ में आ गया? एक बार 5 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, एक बार रीड करें, छोटे छोटे से ही है, जल्दी से आते हैं। कम टू पेज नंबर, आपका नोट्स में है, सॉरी, अच्छी, हाँ जी, पेज नंबर 1.4 पे आइए जल्दी से। स्लैंग लिखिए, अगर वहां पे स्लैंग नहीं लिखा अभी तक तो स्लैंग लिख लीजिए। अभिजीत एक्ट्स इन सीआईडी, जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखनी है, जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट में लिखनी है। जानवी जी अभी तक नेट नहीं आया आपका, चलो शुरू करते। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। बेटा देखो पैराग्राफ में हम इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे लास्ट क्लास में बताया था ना वैसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो अंडरलाइन पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट अप, देखो हिंदी में बताता हूँ पहले क्या लिखे, कि मैनेजमेंट अपने लिए नहीं चाहिए,
वो चाहिए कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए. मैनेजमेंट अपने लिए नहीं है, कुछ काम नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करती है. तो पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट. सेकेंड, द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवर गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू गिव a common direction to the individual effort in achieving the overall goals of the organization. So, jitne bhi log kaam kar rahe hain, un sab logon ke kaam ko kya karti hai management? Unite karti hai, unko coordinate karti hai, aur kya hota hai? Common goals ko achieve karne mein madad karti hai. Sirf do point. Theek hai, chote chote se ye. Dusra, it helps in increasing efficiency. The aim of the manager is to reduce cost and increase productivity. Yahan pe full stop laga lijiye. The aim of the manager is to reduce cost and increase productivity pe full stop laga lijiye abhi na. ठीक है, पहला पॉइंट. या फोटो आपने निकाल लिया प्रिंट आउट? अभिनव प्रिंट आउट निकाल लिया? हां जी सर, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, बट अभी पूरे नोट्स का नहीं निकाला, मतलब जितना हाँ, पार्ट कवर हो जाएगा वो कोई. प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट. अब सेकंड पॉइंट में ना एक दो वर्ड ऐड करेंगे. जहां लिखा ना थ्रू बेटर प्लानिंग, तो यहां लिखो दिस इज डन थ्रू. तो सेकंड पॉइंट बना लो, दिस इज डन थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग and controlling the activities. इसमें ना गलती से staffing बाद में लिख दिया, directing पहले लिख दिया. पहले वैसे actually में staffing पहले होता है, directing बाद में होता है. तो वो आप ठीक कर दीजिएगा. Typing में गलत error हो गया. मतलब interchange करना है. हाँ, directing और staffing गलत हो गए ना. पहले staffing आता है, फिर directing आता है. Okay, तो दो points हो गए. पहला point, the aim of the manager is to reduce cost and increase productivity. दूसरा, this is done through better planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of the organization. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. पहला पॉइंट, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसे एनवायरनमेंट पर उनको काम करना है जिसमें चेंजेस होते ही रहते हैं. इंडिविजुअल्स पहला पॉइंट था ये. दूसरा, इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्ट दीज चेंजेस. रेजिस्ट मतलब वो इनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. रेजिस्ट दीज चेंजेस, दूसरा पॉइंट. तीसरा, management helps people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. जैसे competitive edge का मतलब क्या हुआ कि वो competition में survive कर सके, वरना कोई और आगे निकल जाए. Next, fourth point, management is, ये तो तीन point हो गए. Management is helps achieving personal objectives. A manager motivates his and leads his team in such a manner that the individual members are able to achieve their personal objectives and at the same time contribute towards the achievement of common goals. ठीक है, एक ही point है इसमें. And lastly, development of society. In the process of fulfilling the objective, management helps in the development of organization and through that it helps in the development of society. मतलब क्या हुआ कि जो management जब अपना काम करती है organization में, तो वो मदद करती है organization को grow करने में, और अगर अच्छी management हो तो मदद करती है society को grow करने में. पहला point. Second, it helps to provide good quality products and services. वो कैसे मदद करती है society की? अच्छे products and services देके, employment opportunities create करके, new technology को adopt करके, for the greater good of the people, leading the path towards growth and development. तो एक company कैसे develop कर सकती है society को? अच्छे products देके, good quality के products देके, employment generate करके, ठीक है, और अच्छी technology use करके, good social activities करके, leading the path towards growth and development. बताइए बच्चों, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? अभी तक हमारे दो क्वेश्चंस हो गए, एक इम्पोर्टेंस हो गया और एक फीचर्स हो चुके बड़े क्वेश्चंस. कोई डाउट नहीं है ना? न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड, मतलब अगर अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे तो लोगों का भला होएगा और अच्छा होएगा. और जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, रिसोर्सेज कम यूज होंगे, अच्छे रिसोर्सेज यूज करेंगे तो लोगों का ज्यादा भला होगा. ये है ना प्रोडक्शन में जो, हाँ, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी अच्छी होगी. देख, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो क्वालिटी भी तो अच्छी होती है कुछ की. पॉइंट वो तो ऊपर लिख ही दिया ना. गुड, वही एक ही पॉइंट है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं. ठीक है, चलिए. इंपॉर्टेंस हो गई, फीचर्स हो गए. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट्स कर दीजिए बंद. ऑब्जेक्टिव्स, तो वेदिका ने भी थोड़ी देर पहले ये बोला कि सर ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस एक ही चीज हो सकती है. बेटा नहीं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि सुनना, समझना. मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ लिए, मैनेजमेंट की ये वजह है एक कंपनी में होने की. अब ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि मैनेजमेंट क्या गोल्स लेके आई इन इन चीजों को पूरा करने के लिए. तो मैनेजमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव क्या, जब आप एक मान लीजिए आप एक कंपनी का ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में आते हो,
आप एक कंपनी के मैनेजर बनते हो, तो आपके मन में क्या गोल्स होएंगे जिनको आप पूरा करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपने मैनेज, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम किया है, दैट इज गोल्स। समझ में आया? दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट के ब्रॉडली यहाँ देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स गोल्स होते हैं ना, गोल्स गोल्स बिल्कुल। ये ना केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझाऊंगा भी उसको बहुत अच्छे से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी कुछ मत पढ़ना, कुछ मत रीड करना, यहां देखिए। देखो सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट में आते हैं, तो सबसे पहला जो आपका गोल होता है या आपका एक रोल है, फंक्शन है, वो किसके प्रति है? आपके कंपनी के एम्प्लॉइज के प्रति। अगर आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के ही के लिए कुछ काम नहीं आए तो क्या फायदा हुआ आपका? तो सबसे पहले तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपके एम्प्लॉइज के प्रति, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। फिर क्या आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपके एम्प्लॉइज के प्रति है? क्या सोसाइटी की तरफ आपका कोई रोल नहीं है? सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हो, सोसाइटी से आप लेबर ले रहे हो, सोसाइटी से आप लैंड ले रहे हो, सोसाइटी से आप फाइनेंस ले रहे हो, क्या आपका उनकी तरफ, सोसाइटी से कंज्यूमर्स ले रहे हो, क्या उनकी तरफ आपका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है सर। तो दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोसाइटी की तरफ, जिसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी है। इसके अलावा जो मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी तरफ है? आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चूज किया है इस कंपनी को चलाने के लिए, तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ हो गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बताइए ये समझ में आया? तो एक कंपनी की मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स तीन ग्रुप्स की तरफ होते हैं। एक ग्रुप कौन हो गया? एक ग्रुप हो गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। एक ग्रुप हो गया उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरफ, वो हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और तीसरा हो गया सोसाइटी एट लार्ज। समझ में आ गया? एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले सोसाइटी वाला करते हैं। क्यों करते हैं सबसे पहले सोसाइटी वाला पॉइंट? क्योंकि वो हमने अभी डिस्कस कर भी लिया, जो हमने अभी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वाला पॉइंट किया, 99% सेम। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, वो उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य है सोसाइटी के तरफ। पहले बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग की। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो लैंड, लेबर, सब रिसोर्सेज सोसाइटी से लेती है, लेबर सोसाइटी से लेती है, सामान बनाती है, फिर वापस सोसाइटी को ही देती है ना। कस्टमर्स भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है। अगर आप इनपुट्स के लिए भी सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो, आउटपुट्स के लिए भी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो क्या आपका रोल नहीं है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें? तो सोसाइटी के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सोसाइटी के लिए क्या करना है कि उनके लिए कुछ बेनिफिट्स तैयार करने हैं, ठीक है। हमें कुछ बेनिफिट्स देने हैं सोसाइटी को। जैसे हम क्या दे सकते हैं बेनिफिट्स में? अभी हमने डिस्कस किया, अच्छे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कोई रोड बना सकते हैं। जैसे अभी कोविड का चल रहा है टाइम, तो हम कर सकते हैं कि कोविड के लिए कुछ कर दे, हम कोई वैक्सीनेशन कैंप्स लगवा दे या कुछ भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपनी अपना जो रोल है वो सोसाइटी की तरफ पूरा कर सकते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे ईजी है। व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव? एक लाइन में बताऊ, अगर मैं आपको अभी लिखना नहीं कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव को, अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव? दीज आर, दिस मीन्स creation of benefits for the different constituents of society. Creation of benefits for different constituents of society. मतलब क्या हुआ कि जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट्स देना। वो बेनिफिट्स किसी भी तरीके से होते हैं, हो सकते हैं वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने बैकवर्ड लोग जो कंपनी में काम करते हैं, सॉरी जो सोसाइटी में बैकवर्ड सेक्शंस है, मैंने उनको कुछ फाइनेंशियल एड दे दिया, ये फाइनेंशियल बेनिफिट हो गए। कहीं कुछ खाना वाना दे दिया, वो हो गए बेनिफिट। किसी भी तरीके के बेनिफिट जो हम दे सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज योर दिस थिंग, सोशल ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, वो है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ हमारा क्या रोल बनता है, उनकी तरफ हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो हमारा उनकी तरफ एक सिंपल सा पॉइंट ये है, जो अभी हमने पढ़ा इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट में, कि हम उसको इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर दे कि वो अपने जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं वो उसको पूरा कर सके। मैं आपको एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल समझा। देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लीजिए दो तीन लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक रिसेप्शनिस्ट है। अब उसका एक पर्टिकुलर एम है कि वो यहाँ पे आई है, मेरी कंपनी को ज्वाइन किया, तो
तो वो एक अपना एम के साथ आई है कि मुझे महीने के 50,000 रुपए 30,000 रुपए 25,000 रुपए चाहिए, मैं उसके बिना नहीं काम सर्वाइव कर पाऊंगी, उसको अपना घर चलाना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं उसको ये बोल दूं कि मैम कोविड हो रहा है, सब हमारा भी काम नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, हम आपको 10,000 रुपीज देंगे। अब एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएगी? और अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा कर पाएगी तो क्या वो इस ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम कर पाएगी? क्या वो हर वक्त टेंशन में नहीं रहेगी कि भैया मेरा तो काम, मतलब मैं क्या करूं मैं क्या नहीं करूं? तो क्या वो हमारी को अच्छी से सर्विस दे पाएगी? नहीं। कोई पेरेंट्स आए, अब पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को पहले मैम का काम किया कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना है कि प्लीज आप अपने बच्चों को ट्यूशन लगवाइए। अगर मैम को हम अच्छी सैलरी देंगे तो वो बड़े डेडिकेटेडली काम करेगी और वो पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस भी करेगी कि सर आप अपने बच्चों को यहीं पे सारे सब्जेक्ट के लिए एनरोल कराइए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम अगर वो क्या करते हैं, अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो आप मान लीजिए आप पेरेंट बन के आते हैं, लेट अस अज्यूम आपने को आप आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और मैम को मैम ने बोला कि सर आप ज्वाइन कराइए और आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कराया तो मैम आपको कॉल बैक भी नहीं करेगी क्योंकि उसको उसका खुद की कोई ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे तो वो इस कंपनी में उस डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं क्या हम उनको इस तरीके का एटमॉस्फेयर दे पा रहे हैं कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, और अगर ऐसा हो पा रहा है तभी जाके वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। आप लोग सब लोग एरोप्लेन में शायद गए हो, मतलब एक शायद कभी गए हो, और नहीं भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में जब एक वो एक एक स्टेट वो क्या कहते हैं शुरू होने से पहले फ्लाइट टेक ऑफ से पहले वो एक स्टेटमेंट होती है ना कि पहले अपना बचाव करिए फिर साथ वाले का करिए, हमेशा बोलते हैं ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे, अगर एम्प्लॉइज अपने ही गोल नहीं पूरे कर पाया तो क्या वो कंपनी के गोल पूरे करने में मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट को क्या करना है, मैनेजमेंट को ये देखना है कि हम अपने एम्प्लॉइज को एक ऐसा एटमॉस्फेयर या कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिससे वो अपने पर्सनल अचीव पर्सनल गोल अचीव कर सके। ठीक है कि नहीं? ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बच्चों, एम्प्लॉइज की तरफ हो गया, सोसाइटी की तरफ हो गया, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव तो मेरा उन लोगों की तरफ है ना जिन लोगों ने मुझे रखा है। वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ एक मिनट बच्चों, तो सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो किसकी तरफ हुआ? वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ। अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया और वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव ये था कि इस कंपनी के जितने, हाँ जी बेटा, दिव्यांशी का मैसेज आया है कि उसका वाईफाई ठीक हो रहा है तो इसलिए लीव कर दिया, वीडियो देख लेगी बाद में। हाँ, तो पॉइंट क्या है कि मैंने आपको किस ऑब्जेक्टिव से इस कंपनी में रखा? मैंने आपको इस ऑब्जेक्टिव से रखा कि जितने भी रिसोर्सेज है हमारी कंपनी के, आप उन रिसोर्सेज को सबसे अच्छे तरीके से यूज करिए इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस अज्यूम गिरीश ने एक नया बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, जिसका नाम है गिरीश टिक्की भंडार। ठीक है जी, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, देख लो बिट्टी वाला कहां चला गया। तो इसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया GTB, गिरीश टिक्की भंडार, ठीक है, और इसमें इसने एक छोटू भी रखा। ठीक है, तो एक इसने स्टार्ट किया ठेले से। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पे इसने अपना ठेला लगाया उसी स्ट्रीट पे, वो एक ईटिंग स्ट्रीट है, बहुत सारे और भी ठेले वाले बैठे, तो मेरे को एक बात बताओ, पहले कुछ इनिशियल मंथ्स में गिरीश का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैंने एक ये लगाया ठेला और मैंने गिरीश के को वो फ्रेंचाइजी दी है कि भाई तू चला, तो गिरीश तेरा कुछ पहले इनिशियल डेज में या इनिशियल मंथ्स में तेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सामान बेचना। ये सब पहले से एग्जिस्ट करते हैं, तू न्यू आया है, बता तेरा पहले ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मार्केट में सरवाइव करना। अरे वाह, ये बिल्कुल सही बोला इसने। पहले इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसको सरवाइव करना है, इन लोगों के बीच में अपनी भी एक जगह बनानी है, और इसको अभी कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, अभी ये कॉस्ट पे बेचेगा जिससे जो लोग हैं वो इसकी भी ठेले पे आके टिक्की को ट्राई करना शुरू करे। यस और नो? तो सर्वाइवल का क्या मतलब हुआ? टू अर्न इनफ रेवेन्यूज, टू अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट। आप सिर्फ कॉस्ट कवर करना चाहते हो, टू कवर द कॉस्ट। बताइए, समझ में आ रहा है? फिर आगे प्राइस
प्राइस खराब कर देती है ये आके मार्केट में। अरे नहीं नहीं नहीं, प्राइस खराब नहीं करती है, मैं बताता हूँ। देख, इसने एक बार सर्वाइवल कर ली, इसकी भी जगह बन गई, अब लोग इसके भी पास आने लग गए, जैसे वो इनके पास जा रहे, इसके पास जा रहे, इसके पास भी आने लग गए। अब देख, एक बात था गिरीश, रोज तू तेरी रोज तू 100 रुपए का सामान लेके आता है और शाम तक 100 रुपए के कमा लेते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ऐसे दिन निकल गए, महीने निकल गए, क्या इससे ये सर्वाइव कर जाएगा? मतलब सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन कब तक? यस और नो? अब इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट हो गया। और एक बात बताओ, प्रॉफिट है क्या? इसको पता भी नहीं था कि कोई इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, तब भी इसने रिस्क लिया, इसने ठेला लगाया अपना, ठीक है ना? तो वो रिस्क का भी तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना इसको। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। पुलकित, जो तेरा डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ये जो इसने कॉस्ट रखी है, ये कुछ टाइम तक ही रखी है इसने लोगों में अपनी जगह बनाने के लिए। अब जब इसकी जगह बन गई तो ये भी क्या करेगा? सबके साथ अपने प्राइस को ले आएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जब प्राइस रिड्यूस करेगा तो जो बाकी है वो ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे, वो भी अपना प्राइस रिड्यूस करेंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता, कॉम्पिटिटिव मार्केट ऐसा हमेशा नहीं होता। अब तो इकोनॉमिक्स का नहीं, ऐसे ले सकते हैं कि ये प्राइस ना रिड्यूस करे, ये कर सकता है कि एक टिक्की के साथ कुछ और चीज, जैसे एक बर्गर के साथ एक टिक्की मूव, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कुछ ऐसे फ्री भी दे सकता है। ऐसा नहीं होता कि प्राइस ही रिड्यूस करना है, इसका मेन मकसद है सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव तो क्वालिटी अच्छी देके भी कर सकता है, कोई अच्छी फ्री भी देके भी कर सकता है, उस तरीके से तो कर सकता है ना। हमेशा प्राइस रिडक्शन ही एक मतलब, पहले नाम बनाना फिर पैसा बढ़ाना। एग्जैक्टली, पहले तो देखो नाम, एक्चुअली देखो पहले जगह बनानी है कि लोग तेरे ठेले पे भी आना शुरू करे। पहले तो क्यों, एक बात बता, हम ही है 10 लोग पहले से बैठे हुए, एक तूने नया अपना मैगी भंडार खोल लिया, तो हम तेरे पे जाने पे हेजिटेट करेंगे ना यार, कि तुम नया आया पुराने वाले पे चलते हैं। तो पहले तो तेरे पे आने के लिए हमारे को कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। अब तू इंसेंटिव देगा कि मैगी के साथ एक अरोड़ा लेमन फ्री, तभी तो हम आएंगे तेरे पे कि चल यहाँ पे एक अरोड़ा लेमन फ्री मिल रही है, तब हम आएंगे तेरे पे। यस और नो? तो पहले ये हो। अब क्या होगा कि जब हमने सर्वाइव कर लिया, इसने अपनी जगह बना ली, तो अब ये क्या क्या चीज देखेगा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा था, टू कवर द कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखे गए, हम टू अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। जो उसका रिस्क था उसके लिए उसको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसने रिस्क लिया, इसको पता भी नहीं था कि इसका ठेला चलेगा कि नहीं चलेगा, तब भी इसने ठेला लगाया, तो इसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। टू कवर द इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क, सॉरी कवर कॉस्ट एंड रिस्क। अब एक बार बताओ, प्रॉफिट भी कमा रहा है ये, ठीक ठाक सा प्रॉफिट भी कमा लेता है, कब तक ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमाएगा? क्या सिर्फ एक ही ठेले से चलना है? क्या ये नहीं करना है, शादियों के ऑर्डर बुक नहीं करने? क्या फिर भल्ले पापड़ी का स्टॉल नहीं लगाना? क्या रामलीला पे स्टॉल नहीं लगाना? तो ये सब क्या हो गया, थर्ड स्टेज क्या हुई बताओ, थर्ड स्टेज क्या हुई? जब आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, अब आपको नई ब्रांचेस खोलनी है, अब आपको नई मशीन्स लगानी है। अब क्या, अभी तक तो ये हाथ से टिक्की बनाता था, अब इतना इसका बिजनेस बढ़ गया है कि इसने मशीन लाया है, आलू डालो टिक्की बन के बाहर, आलू डालो टिक्की बन के बाहर, मॉडर्नाइजेशन करनी है। हाँ बेटा, अब ये GTP नहीं रहा, अब ये गिरीश टिक्की भंडार नहीं रहा, अभी बन गया गिरीश टिक्की फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री बन गई है अभी। तो पॉइंट क्या है कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, ग्रोथ। तो लास्टली अब एक बार बता पुलकित, कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी ग्रो कर रही है? अगर मैं तेरे से बोलूं क्या क्या चीजें देख के तू ये बता सकता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं ग्रोथ के, कि ये कंपनी ग्रो कर रही है? पहला पुलकित बताए, किसी कंपनी के देख के तू ये बता सकते है कि हाँ सर ये कंपनी ग्रो कर रही है? एसेट्स बढ़ रहे हैं। अरे वाह, इंक्रीज इन एसेट्स, जब ये मशीन्स लगा रहे हैं, एक और ठेला लगा लिया, फ्रेंचाइजी सिस्टम शुरू कर दिया, इंक्रीज इन एसेट्स। अब राघव आप बताओ क्या चीज देख के आपको लग सकता है? अगर ज्यादा एम्प्लॉइज इंक्रीज हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पहले एक छोटू था, अब इसने 10-10 छोटू लगा रखे है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब ना आप ट्राई करो एक चीज, नंबर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स, वेरी गुड वेरी गुड। और एक चीज तो तुम भूल गए यार, मेन चीज जिसको देख के लगेगा कि यहां सेल बढ़ रही है, क्या कहा था अपने वेदिका? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वेरी गुड वेरी गुड, कैपिटल और टर्नओवर भी तो है, अगर टर्नओवर बढ़ रही है तब भी तो ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही आपने बोला। जो उसका एसेट्स जो था, बेसिकली एसेट्स और कैपिटल एक ही चीज होगी एक तरीके से, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, एक्जेक्टली। तो इन चीजों से हमें पता चल सकता है कि एक कंपनी ग्रोथ स्टेज पे पहुंच चुकी है, ये वन मार्कर क्वेश्चन भी बनता है, भी लिखवा हुआ। समझ में आया बच्चों?
अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला, केस स्टडीज का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सामने केस आएगा, फिर आपको बोला जाएगा बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम अबव आइडेंटिफाई द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइटेड इन द अबव केस। समझ में आई बात? ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं, पहले इन तीनों को रीड करते हैं और उसके बाद हम इसको मतलब याद तो हो गया, एक बार रीड करते हैं। So, एक बार वो दिखा दो पैरामीटर्स नोट कर लेते हैं। पैरामीटर्स वाला ये जिन इस पे आइए आप पेज नंबर और यहाँ लिखिए वेरी पेज नंबर 1.3 पे आइए और लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, ये तो बिजनेसमैन की लाइन होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, बिजनेसमैन पहले नाम फिर प्रॉफिट ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल वही तो, हाँ यही बिल्कुल जो आप कह रहे हो, हाँ वही पहले नाम फिर प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। ओके स्टार्ट करते हैं, तो कम टू पेज नंबर 1.3। Management seeks to achieve certain objectives which are the desired results of any activity. इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ objectives achieve करना चाहते हैं जो कि हर एक activity जो भी management करती है उसका result है। They must be derived from the business. In any organization there are three different objectives which the management seeks to achieve. अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया presentation tip दे रहा हूँ, अगर objective का question आता है छोटा सा side में अगर ये flow chart बना दोगे फ्री हैंड से, छोटा सा साइड में अगर फ्लो चार्ट बना दोगे फ्री हैंड से तो कितना अच्छा इंपैक्ट बनेगा, क्योंकि सब बच्चे तो नहीं बना रहे होंगे ना, तो जो बना रहा होगा उसको ऑब्वियसली एक अच्छी एज मिलेगी। तो प्लीज ये छोटे छोटे जो होते हैं ना जो आपको मैं टिप्स देता रहता हूँ उसको कहीं ना नोट करते रहा करो, हाईलाइट करते रहा करो उस चीज को, ये बहुत मदद करेगी आपको। ओके सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्स, अंडरलाइन करिए ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्स to the maximum advantage of the organization, मतलब सबसे अच्छे से use करना है, that is to fulfill the economic objective. बच्चों underline the term economic objective, organizational objective को economic objective भी कहते हैं, लेकिन आप कभी भी heading में substitute मत करना। I repeat, never substitute organizational objective with economic objective in the heading. Economic objective हमेशा अंदर ही लिखना है, समझ में आ गई बात? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मत लिख देना, दैट द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल एंड पर्सनल, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अंदर ही लिखना है, समझ में आ गई बात? ओके दीज आर सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ को, क्योंकि ये केस स्टडीज में बहुत बार आता है। पहला सर्वाइवल, यहाँ लिखो रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ गिरीश टिक्की भंडार, आपको याद आ जाएगा जब आप क्लास कभी आपसे 6 महीने बाद पढ़ोगे तब आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने कैसा एग्जाम्पल दिया था टिक्की भंडार। ओके सर्वाइवल, मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव मतलब वर्क हार्ड टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैनेजमेंट को हमेशा मदद कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी सर्वाइव कर सके। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन, इस लाइन को हाईलाइट करिए जो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट, ये लाइन आ जाएगी पेपर में और आपको पूछा जाएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव, सिर्फ कॉस्ट तक हाईलाइट करिए इसको। नेक्स्ट, मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, सिर्फ सर्वाइव थोड़ा करना है कि सिर्फ इतना ही थोड़ा कमाना है जितना लगाया, प्रॉफिट ही नहीं है तो इतना रिस्क भी ले रहे हो, हम रिस्क भी ले रहे हैं टेंशन भी ले रहे हैं, बिजनेसमैन को टेंशन भी होती है और कमा क्या रहे हैं जीरो, तो फायदा क्या हुआ। मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, इन मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट विच इज अ प्री कंडीशन फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। देखो सर्वाइवल में ठीक है आप कुछ घर नहीं लेके जा रहे, लेकिन कब तक ऐसा करोगे, एक टाइम तो आएगा ना जब घर वाले बोलेंगे भैया कुछ हमारे लिए भी लिया,
तो वो होती है प्रॉफिट स्टेज। तो इट इज नॉट, अगर लंबा समय तक चलना है तो प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द कंपनी। हाईलाइट करिए कवरिंग द कॉस्ट एंड द रिस्क। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुनना मेरी बात को, दैट द कंपनी इज अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। अगर रिस्क भी ऐड हो गया तो मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव है बताइए? अगर रिस्क भी ऐड हो गया तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अरे ऑर्गेनाइजेशनल का कौन सा हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर सिर्फ कॉस्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? सर्वाइवल, ठीक है। ओके, लास्ट, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। इन द लॉन्ग रन मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट इज नॉट अ बैड वर्ड। एक्सप्लॉइट वैसे हमें लगता है गलत वर्ड है, लेकिन रिसोर्सेज के लिए हम एक्सप्लॉइट वर्ड ही यूज करते हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी बैड वर्ड, ठीक है। मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना एक कंपनी ग्रो कर सकती है उसको करना चाहिए। अब देखो ग्रोथ जो मैंने लिखवाया था ना पैरामीटर्स, वही लिखे हुए। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। किसी ने कस्टमर बोला था वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन द, वन मार्क का क्वेश्चन है, हाउ कैन द growth of an organization, how can the growth of an organization be measured? How can the growth of an organization be measured? तो आपके सामने answers है, sales turnover, number of employees, products, capital investment, customers, etc. समझ में आ गया बच्चों? Clear है? Okay. आते हैं next पे, हमारा जो है social objective. It refers to creation of एक बार ये बता दो, स्टार्टिंग की लाइन जो थी, मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद अ डिजायर्ड। ये कहना चाह रहे हैं हिंदी में, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अपने एक्टिविटीज से, अपनी हरकतों से, अपने काम से, जो भी वो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उससे वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपने क्लास लगाई, अभी आपने नोट्स लिए, अभी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, ये जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो इससे आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। तो ऐसे ही मैनेजमेंट कुछ एक्टिविटीज करते हैं जिससे वो कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव विच आर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। समझ में आ गई? दिस मस्ट बी अचीव्ड फ्रॉम द बिजनेस। ये तो अचीव करना चाहिए, ठीक है, ओके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स बात है, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क की, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब हाईलाइट करिए, अच्छी लाइन है। सोशल ऑब्जेक्टिव मींस इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। हमें सोसाइटी के लिए कुछ देना है, हमें सोसाइटी को, हम ले तो इतना कुछ रहे हैं सोसाइटी से, हमें सोसाइटी को कुछ दे के जाना है। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, हैज टू फुलफिल certain obligations to fulfill. This refers to, इस line को underline करना, highlight करना, constantly creating values for the various components of society. क्या मतलब हुआ? Constituents of society. मतलब society में जितने भी लोग हैं, backward section हो गए, और भी जो लोग हैं, हमें उन लोगों के लिए क्या करना है, हमें उन लोगों के लिए कुछ benefits देने हैं। अब जैसे आप बोलोगे हमें nature के लिए भी करना है, बहुत सी companies, आपको पता होगा बहुत सी companies क्या करती है, प्लांट्स वगैरह बहुत, ट्रीज वगैरह बहुत वो करती है, मतलब प्लांट करती है। क्यों? क्योंकि वो नेचर के लिए कुछ कर रही है। अच्छा, एक कंपनी ने रोड बना दी, रोड बना दी, इसका मतलब अगेन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है, गवर्नमेंट के लिए कर रही है, हमने कस्टमर्स के लिए कुछ किया। तो जितने भी लोग है सोसाइटी में, कंपनी से बाहर जो भी है, हम उनके लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं, हम नेचर में कर सकते हैं, हम कहीं, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, जैसे अभी आई हुई वो आए हुए है, टॉकटे क्या है वो महाराष्ट्र के पास जो आए हुए वो साइक्लोन, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं, वो उसमें हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि टाटा कंपनी ने बोला या रिलायंस ने बोला कि हम इसका रिलीफ वर्क में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो किसी भी तरीके से आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो सोसाइटी। समझ में आया पॉइंट? ओके, आगे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की हेल्प करे तो उसको क्या बोले? मैं बता रहा हूँ, वो पर्सनल है, वो पर्सनल होगी। जब आप एम्प्लॉयज टू द, नहीं नहीं मैं बता, इसमें अभी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक तो जा, एक मिनट रुक जा, मैं चलो तेरे नाम एग्जांपल से ही लूंगा, एक मिनट रुक जाइए, अभी पॉइंट में आ रहा हूँ। दिस इंक्लूड्स, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज
like schools and crutches to employees. अब मेरा एक क्वेश्चन था जो पहले ही पुलकित ने आंसर कर दिया. मान लीजिए मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज अनपढ़ है, मेरी कंपनी का एम्प्लॉय अनपढ़ है और मैंने उसको कहा कि आप लोग शाम को इवनिंग में जब ये खत्म हो जाएगा हमारा ऑफिस आवर्स तो आपके लिए हम यहीं पे क्लासेस लगाएंगे आपके लिए, ठीक है. ये क्या हुआ? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब एक बात बता, मैंने आपको एम्प्लॉय किया है, ठीक है, आपको मैंने एम्प्लॉय किया है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. एग्जैक्ट जोक अपार्ट ऐसे बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के होने या ना होने में मेरा कोई योगदान है? सोचो, नहीं ना, कोई योगदान नहीं है. तो वो मेरे लिए कौन हुए? जैसे सोसाइटी है वैसी वो है. तो अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूं तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ या पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ? सोच के बताओ, समझ आई बात? तो सोसाइटी के मतलब अपने एम्प्लॉयज के लिए डायरेक्टली कुछ किया वो पर्सनल, एम्प्लॉयज की फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो तो फैमिली. एक बार बता, एम्प्लॉय की बीवी मेरी कौन लगती है भाई? ठीक है कि नहीं? मेरा कोई भाभी, अच्छा भाभी, मेरा तो उससे कोई रिश्ता नहीं है ना कि एम्प्लॉय की बीवी है भाई मैं इसके लिए ये करूँ. नहीं, वो मेरे लिए एज अ सोसाइटी हुई. समझ आ गई बात? तो एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉय की फैमिली को पढ़ा रहे हो तो सोशल. तेरा यही डाउट था ना? बच्चों इस चीज को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है. एम्प्लॉयज को अगर हम पढ़ा रहे हैं या कुछ भी एम्प्लॉय की कोई नीड को पूरा करे तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ, एम्प्लॉय की फैमिली की किसी नीड को पूरा करे तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव ही माना जाएगा. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सोशल दोनों आ गए तो पर्सनल होगा. ठीक है जी, समझ में आ गया. अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. Organizations are made up of different people who have come from different backgrounds, personalities, experience and objectives. Pehla point, they all become the part of the management to satisfy their diverse needs. Dusra point, these vary from financial needs. Kuch log sirf paisa kamane aaye hain, kuch log social needs kamane puri karne aaye hain. Social needs hote hain naam kamana. Kuch log aur higher level ki needs puri karne aaye hain, apni growth ke liye aaye hain. Beta, ye jo needs hai, ye teen needs humne padhi, financial needs, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर में, सेवन चैप्टर में, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग जैसे मैंने कहा आपकी कंपनी में गार्ड लगा हुआ है, गार्ड का क्या है? वो तो बस चाहते हैं मेरे को सैलरी मिल जाए, मेरा घर चल जाए. फिर कुछ लोग आए जिन जो चाहते हैं थोड़ा नाम हम कमाए, और कुछ लोगों के पास नाम भी बहुत है पैसा भी बहुत है. वो लोग क्या चाहते हैं कि हम कंपनी में और ग्रो करें, हम और ऊंची पर्सनल डेवलपमेंट, हम और बड़ी प्रमोशन हमारी हो जाए. वो बेटा लास्ट का जो लाइन है ना, मैं उसको ना इजी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा वो मुश्किल है, उस लाइन को मैं कट करा के इजी करा रहा हूँ. इस लाइन को कट कर दो, मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल वाली लाइन को कट कर दो, मैं यहाँ एक इजी लाइन आपको लिखवा रहा हूँ. मैनेजमेंट मस्ट मोटिवेट इट्स एम्प्लॉइज इन सच अ मैनर that they are able to achieve their personal objectives and at the same time also contribute towards the achievement of common organizational goals. And at the same time, also contribute towards the achievement of common organizational goals. Line वही लिखवाई है जो वहाँ लिखा है, बस उसको थोड़ा simple बनाएं. Same time. Also contribute towards the achievement of common organizational goals. ठीक है? Clear हो गया? अब बच्चों ऐसा है कि अभी हमने तीन बड़े क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है. पहले तो हमने डेफिनेशन कर दी, फिर हमने फीचर्स कर दिए, फिर हमने इंपॉर्टेंस कर दी. हाँ जी बेटा, एक बार रिपीट कर दो या मैं करूं? क्या ये वाली लाइन? हाँ बोल, रिपीट कर. Management must motivate its employees in such a manner that they are able to achieve personal objectives and at the same time also contribute towards बच्चों. अभी हमने तीन बड़े क्वेश्चंस किए, मैनेजमेंट क्या होती है, फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है.
अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तीन क्वेश्चन है ये, लेकिन हम उसमें से आज सिर्फ एक करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये तीन क्वेश्चन से हम एक करेंगे सिर्फ। पहले समझना बच्चों, ये जो वर्ड है ना नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये 12 चैप्टर्स है हमारे बीएसटी में, ये नेचर वर्ड हर जगह आएगा। प्रिंसिपल्स की भी नेचर है, प्लानिंग का भी नेचर है, ऑर्गेनाइजिंग का भी नेचर है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सबके नेचर है, मार्केटिंग का भी नेचर है, सबके नेचर है। और जब भी नेचर का क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं। लेकिन इस चैप्टर की आयरनी देखिए, इस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और नेचर के चैप्टर में अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर नहीं लिखना आपको, बहुत सारा नेचर हो गया। अब समझ, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में नेचर के दो मतलब है, एक तो मतलब है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने कर लिया, अब दूसरा मतलब है, अभी हम करने जा रहे हैं कि मैनेज, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, और कुछ लोगों को लगता है कि एक प्रोफेशन है। तो इसमें से एक्चुअली में है क्या मैनेजमेंट, क्या वो आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है, ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इज इट एन आर्ट, क्या वो कोई कला है, इज इट अ साइंस, क्या वो एक विज्ञान है, और इज इट अ प्रोफेशन, क्या वो एक ऑक्यूपेशन है, एक प्रोफेशन। समझ में आया? तो ये है एग्जैक्ट तीन, यही है मेन जिसमें डिवाइड कर रहा है बीएसटी में। हां बीएसटी का लाइक उसमें पहले हर जगह ये क्वेश्चन आता है, जैसे अकाउंट्स में भी आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, ये इसी चैप्टर में करेगा, सिर्फ इसी चैप्टर में मेन है। तो हम इससे आज ये पता लगाएंगे कि मैनेजमेंट है क्या, और आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस दोनों है, और प्रोफेशन वो बन रहा है, ये नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अब एक बात बताओ मेरे को राघव, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ विल यू प्रूव 1 = 2, तो मतलब कैसे आप बोल सकते हो, बताओ। मतलब मैं कंटेंट नहीं जानना चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि 1 = 2, तो पहले मैं ये लिखूंगा, फिर मैं ये लिख दूंगा, फिर मैं ये लिख दूंगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि 1 = 2। तो मेरे को बताइए आप क्या सोच के बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 = 2 करना है तो कैसे करो, मतलब हमें यहाँ ये लिखना है कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आर्ट, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, सोचो। सर पहले थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है, सर फिर आर्ट के बारे में लिखेंगे, जो उसके बीच में फिर दोनों के बीच में कॉमन होगा, फिर हम उससे बता सकते हैं। बढ़िया तरीके से बताया अभी ना, आप कुछ ट्राई करोगे, इतने सही बताया, और कुछ एडिशन एडिशन करना चाहोगे? प्रीटी मच ये सर, क्यों मतलब वो दोनों टॉपिक्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। सही बोला, तो आप देखो, हां बोलना बोल के, बेसिक रूल्स मतलब जो उसने बताया वो साइंस है, द परफॉर्मेंस इज आर्ट, एंड on the basis of that knowledge jo perform kar rahe the, bilkul sahi aapne bola। to sabse pehla question hamara ye hai, teenon ne bilkul sahi bola ki hame ye prove karna hai ki management ek art hai ki nahi, pehle to ye question। to ab hum kya karenge, pehle hum dekhenge ki art kya hai, kyunki management to hame pata hai kya, hame dekhenge ki art kya hai, hum art ki definition dekhenge, hum art ke features dekhenge, aur fir hum dekhenge ki kya management un features ko pura karta hai ki nahi। agar management un features ko pura kar deta hai, iska matlab management bhi ek art hai। Yes or no? मानते हो कि नहीं मानते हो बच्चों? इन तीन क्वेश्चंस को करने की दो तरीके की प्रेजेंटेशन है, अभी कुछ नहीं लिखना आपको, अभी मत लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज लिखा हूं, प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ, प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन, आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। एक जो है, एक जो इसकी वो है प्रेजेंटेशन, वो आपके नोट्स में, मैं यहाँ पे दूसरे लिख रहा हूँ। मान लीजिए आर्ट कोई भी आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, किसकी, मैनेजमेंट की नहीं, या तो आर्ट की, क्योंकि एक ही का ही आएगा, या फिर साइंस की, या फिर प्रोफेशन की, हम जिसकी भी हमारे पास क्वेश्चन आया हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बॉक्स में लिख देंगे और बेटर हो जाएगी। फिर हम एक फ्लो चार्ट बना के फीचर्स लिख के आएंगे, अगर आर्ट के आए तो आर्ट के, अगर साइंस के आए तो साइंस के, और अगर प्रोफेशन के आए तो प्रोफेशन के। आर्ट के मैं आपको बता देता हूँ, आर्ट के 3 फीचर्स होते हैं, साइंस के 3 और प्रोफेशन के 5। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, फीचर्स ऑफ आर्ट साइंस या प्रोफेशन, मैंने एक बॉक्स बनाया और मैंने यहाँ पे ऐसे करके उसके फीचर्स लिखे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट लिखूंगा नीचे, नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल्स
all the features of art, science or profession. क्या आएगा आपके पास? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे. जैसे मान लीजिए आर्ट, आर्ट का फीचर लिखा हमने पहला, उसके बाद हम इस लाइन को लीव कर देंगे. मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें पॉइंट्स में लिखना होता है. देखिए यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पॉइंट्स में नहीं पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आओगे. सिर्फ यही क्वेश्चन है पूरे बीएसटी में. तो हम उसके बाद क्या करेंगे, लाइन लीव कर दी, उसके बाद सेकेंड लाइन का पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से मिड से. हमने एक पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ में हम बताएंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे ये पॉइंट जो है आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या पॉइंट है. फिर हम एक लाइन और छोड़ देंगे लीव, और फिर हम क्या करेंगे, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लिखेंगे और यही पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट के पॉइंट. समझ में आया पॉइंट? दो पैराग्राफ बनाएंगे, पहला आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या मैनेजमेंट उसको फुलफिल करता है कि नहीं. समझ में आई सबको ये बात? ठीक है, ऐसे हम तीनों के कर देंगे, ऐसे हम तीनों के बना देंगे. टोटल नौ करने हैं. टोटल नौ नहीं हो गए ना, तीन सिक्स हो गए ना, तीन उसके और दो उसके, अरे तीन के दो पॉइंट ना, मैंने आर्ट के तीन फीचर्स होते हैं, तो आर्ट के तीनों फीचर्स को आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छह पॉइंट के दो है. ऐसा ना पुलकित सर, तो आगे भी तो करेंगे ना, उनके आर्ट के कर दिए और फिर हाँ मतलब यार एक बार में एक ही क्वेश्चन आएगा ना, या तो साइंस का आएगा या आर्ट का आएगा, प्रोफेशन का आएगा, दोनों को आएगा. नहीं दोनों के नहीं आते, एक बार में एक आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट और साइंस और प्रोफेशन, एक आएगा आपके कोर्स में, कोड में. ठीक है, समझ में आई बात? तो आपने दूसरा लिखा यहाँ पे, ये लाइन छोड़ दी, लीव अ लाइन, उसके बाद एक पैराग्राफ यहाँ से लिखा, इस फीचर का एक्सप्लेन किया आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर साइंस या फिर प्रोफेशन, जो भी क्वेश्चन है. फिर आपका लीव अ लाइन, फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखा इसी पॉइंट को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बताइए समझ में आया? ऐसे आपने तीनों कर लिए. मैं एक और पेज बना देता हूँ, यहाँ पे आपने तीसरा लिखा, और अगर प्रोफेशन है तो आपने पांच पॉइंट बनाने ऐसे, ये आर्ट साइंस या प्रोफेशन, फिर लीव, और उसके बाद एक और पैराग्राफ आर्ट सॉरी मैनेजमेंट को, और उसके बाद फिर एक लाइन को लीव करके हमें कंक्लूड करना है, कंक्लूजन. अब आपने कंक्लूड क्या करना है, या तो वो मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है, या एक साइंस है या नहीं है, या एक प्रोफेशन है या नहीं है. तो हम लिखेंगे, मान लीजिए आर्ट का क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट फुलफिल्स ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट, या इट इज नॉट एन आर्ट एज इट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स. ठीक है, समझ में आया? ऐसे साइंस ऐसे ही प्रोफेशन. बताइए समझ में आया? ठीक है, एक तो प्रेजेंटेशन ये है, दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है जो आपके नोट्स में है, मैं वो बता देता हूँ, वो लिखेंगे नहीं, वो आपके नोट्स में है. दूसरी प्रेजेंटेशन क्या है कि पहले तो आपने फ्लो चार्ट तक बना लिया, उसके बाद पहले आपने सारे सारे फीचर्स को डिटेल में सिर्फ आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया. पहला फीचर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा फीचर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा फीचर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर लिखा नाउ लेट अस सी वेदर मैनेजमेंट फुलफिल्स देम और नॉट, फिर तीनों फीचर्स को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा. ठीक है, और उसको कंक्लूड किया. तो एक तो प्रेजेंटेशन ये है, और दूसरी प्रेजेंटेशन ये है कि जब आप एक फीचर लिख रहे हो उसी टाइम उसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो. मेरे हिसाब से ये वाली ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ही साथ हम दोनों पॉइंट को कवर करते हैं. ठीक है, समझ में आया? आप इस प्रेजेंटेशन को अपने नोट्स में या कहीं पे भी कॉपी करिए, जहां पे स्पेस फॉर नोट्स है वहां पे, या रजिस्टर में जहां पे भी, बट रजिस्टर में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रजिस्टर घूम जाता है. तो आप अपने नोट्स में ही कहीं कॉपी करिए इसको जल्दी से, इस वाली प्रेजेंटेशन को. ये सेकंड प्रेजेंटेशन है एंड प्रेफरेबल है. तीनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आपके आपके कोड में आता है, एक कोड में कोई आता है, एक कोड में कोई आता है, ऐसे होता है, और आपको तीनों नहीं आ सकते एक साथ. आज ना मैं क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मैं चाहता हूं कि बच्चे क्लास में ही हो, और वैसे भी टाइम भी हो गया, तो बस आप प्रेजेंटेशन नोट करें. इतने प्रोफेशन के पांच है, प्रोफेशन के पांच फीचर्स है, आर्ट और साइंस के तीन तीन. प्रोफेशन का क्वेश्चन पांच नंबर में आता है, आर्ट और साइंस का तीन तीन या चार नंबर. नेक्स्ट पेज करूं? नहीं सर.
हाँ जी गिरीश बोलो नहीं हो गया लिख ले ये देखो एक मिनट पीछे हाँ हाँ लो लो आराम से बता दो ठीक है करो आगे यस सर कर दो आगे यहाँ पे भी ना आर्ट साइंस से प्रोफेशन कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे एक बार और बताऊंगा ये चीजें सारी हो गया सिंपल मतलब ऐसे ही आगे भी आप सेकंड थर्ड पॉइंट भी ऐसे लिखने हाँ वो तो है ना उसके बाद बस कंक्लूजन अब एक मिनट मेरी सब बच्चे नए वाले बच्चे भी बताने बच्चे सब बच्चे में भी बात सुनेंगे ओके सबसे पहले तो आज हमने जो किया वो बता देता हूँ आज हमने क्या किया आज हमने दो क्वेश्चन किए बड़े एक इम्पोर्टेंस एक ऑब्जेक्टिव तो पहले तो होमवर्क नोट डाउन करिए इम्पोर्टेंस डिटेल में एक बार और एक बार अलग से हेडिंग्स और ऑब्जेक्टिव एक बार डिटेल में ऑब्जेक्टिव एक बार डिटेल में हेडिंग्स वही नहीं ना ऑब्जेक्टिव में और इम्पोर्टेंस की हेडिंग्स अलग से एक बार और एक बार डिटेल में ये मुझे आप आज शाम को ही भेजिए बच्चों देखो आप भेज सकते हो अगले दिन मतलब ट्यूसडे तक लेकिन एक बात बताइए अगर आप आज ही पढ़ लोगे ना तो वो ज्यादा बेटर आपको याद हो जाएगा ये मेरा एक्सपीरियंस है कोशिश करिए आज ही पढ़िए पुलकित कितनी देर लगी थी देखो तूने 6 पेज का होमवर्क भेजा है देखो कितनी देर लगी थी करने में सही मतलब लिखने में घंटा मैक्सिमम है ना घंटा तो ठीक है ना मैक्सिमम घंटा है तो आप अगर जो अपनी स्पीड के हिसाब से 40-45 मिनट्स लगते हैं करने में लगेंगे ठीक है ना तो आप आज ही कोशिश करिए पहली बात तो ये ठीक है अभी हम वी आर मीटिंग ऑन ट्यूजडे अपना 12 बजे हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्लीज मिस मत करना क्लास को ठीक है और जिन बच्चों ने लास्ट क्लास का होमवर्क भी नहीं भेजा वो भी मेरे को अभी ना आप भेजेंगे और आगे ठीक है चलिए ओके बच्चे एक सेकंड बोलिए राघव अभिनव आप लोग रिकॉर्डिंग भी आती है अगर कुछ लूज मिस हो जाए तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है चलिए तो हम मिलते हैं ट्यूसडे को कमिंग ट्यूसडे 12 बजे ओके आप लीव कर दीजिए क्लास ओके एक बार कंक्लूजन हाँ कंक्लूजन क्या देखने बस कंक्लूजन में अभी कुछ नहीं लिखवाया ना वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ये देखो yes, चलिए अब हम आते हैं एक बार आप लोगों से बात करनी है पहली बात तो ये वेदिका आप ना एक बार मैम से बात कर लीजिए मैम को कुछ काम है आप एक बार वेदिका मैम से बात करना क्लास के बाद जब भी हो ठीक है होमवर्क एक बार बता दो होमवर्क बता देता हूँ होमवर्क एक मिनट पॉज करता हूँ उसको